सो वी स्टार्ट अ चैप्टर. हमने कंप्लीट नहीं किया था, हमने 2 पेज कंप्लीट किए थे. हमारे पास लास्ट की 2 लाइंस रह गई थी. आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक चैप्टर रीड करवा दिया था विद मीनिंग एंड विद प्रोनाउंसिएशन. अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर. द चिल्ड्रन लुक डाउन एट देयर फीट, दे लुक सैड. जो बच्चे थे वो जब उन्होंने उसका मैसेज उनको ओल्ड बाबू ने बताया तो बच्चे वो दोनों उदास हो गए थे, बहुत ज़्यादा उदास होकर वो अपने पैरों की तरफ देख रहे थे. नाउ ओपन द पेज नंबर 45, फर्स्ट लाइन. मैं रीड कर रही हूँ, आपको समझना है बहुत केयरफुली. क्वेश्चन आंसरिंग होगी फिर इसकी आपके आपको इसके मुताबिक. व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड. ओल्ड बाबू पूछते हैं कि आस्क ओल्ड बाबू. ओल्ड बाबू ने उसे पूछा, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, आप दोनों क्यों उदास से देख रहे हैं. वी कैन नॉट रीड और राइट, कैन वी, रिप्लाइड आफिया क्वाइटली. वी आर फुलिश. आफिया जवाब देती है. रिप्लाइड मीन्स होता है जवाब दिया. आफिया जवाब देती है. क्वाइटली मीन्स होता है खामोशी से. आफिया रिप्लाई देती है, जवाब देती है खामोशी से. कहती है क्या हम पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, क्या हम ये कर सकते हैं, हम बेवकूफ़ हैं. वो दोनों बहुत मासूमियत से बहुत उदास होकर बहुत उससे वो ओल्ड बाबू से क्वेश्चन करते हैं. तो आपके रिप्लाई करती है इस बात का कि हम क्यों उदास हैं. यू आर नॉट फ्लेश एट ऑल, सेड ओल्ड बाबू. वाई डू नॉट, वाई डोंट यू लर्न. डू नॉट इसको मतलब इस पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो आप इसको डोंट पढ़ सकते हैं. डोंट यू लर्न. वो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ हैं, तुम बेवकूफ़. वो पूछते हैं तो ओल्ड बाबू कहते हैं नहीं, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, क्या तुम ये सीख नहीं सकते. लर्न मीन्स सीखना. तो वो जवाब देते हैं, देयर इज़ नो स्कूल हेयर, सैड हसन. हसन कहता है कि यहाँ कोई स्कूल नहीं है. हाउ वी कैन लर्न, हम कैसे सीखेंगे. आई विल टीच यू, सैड ओल्ड बाबू विद अ स्माइल. ओल्ड बाबू मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि मैं आपको टीच कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ. फ्रॉम दैट डे एवरी आफ्टरनून व्हेन द शॉप वॉज क्वाइट, द चिल्ड्रन सैट विद ओल्ड बाबू. उसी दिन से एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर जब दुकान पर उनके जैसे रश नहीं होता, बहुत खामोशी होती थी, तो जो बच्चे थे वो उनके साथ ओल्ड बाबू के साथ बैठ जाते थे. ही गैव देम पेपर एंड पेंसिल एंड ही थॉट देम. और वो उन्हें जो ओल्ड बाबू थे वो उन्हें पेपर यानी कागज़ और पेंसिल देते थे और वो उनको सिखाना शुरू करते थे. सम मंथ्स लेटर कुछ महीनों बाद. मंथ्स मीन्स महीने. आफिया एंड हसन रॉट अ लेटर टू डेविड इन न्यूजीलैंड. आफिया और हसन ने एक खत लिखा डेविड को न्यूजीलैंड में. ही रॉट बैक टू दैम, उन्होंने फिर वापस एक खत लिखा. द मंथ्स वेंट बाय, महीने गुजरते गए. द ईयर्स वेंट बाय, साल भी गुजरते गए. आफिया एंड हसन स्टिल राइट टू डेविड. आफिया और हसन वो ख़त लिखते ही रहे थे, मतलब डेविड को. नाउ दे आर नियरली एज ओल्ड, मतलब वो वही उसी तरह से वो जो जैसे थे वो वैसे ही थे पुराने. एज ओल्ड बाबू वॉज वैन ही फर्स्ट रीड दैम द मैसेज इन द बॉटल. ओल्ड बाबू जो थे वो पहले थे जिन्होंने बॉटल का मैसेज पढ़ा. तो इसका इस चैप्टर का ये है, स्टोरी का मकसद ये है. देखें आफिया हसन को, वो ये समझते थे कि हम पढ़ नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एफर्ट करी, उन्होंने कोशिश करी, तो वो हर चीज़. अब आपको भी अगर आपको कोई चीज़ परेशान है, आप किसी हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन आप एफर्ट करें, ज़रूरी नहीं कि आप वो नहीं सीख सकते, आप सीख सकते. इस स्टोरी से हमें ये सबक मतलब एक लेसन मिलता है हमें. ओके, नाउ पेज नंबर 46, ये आपके पास एक्सरसाइज है. आपको पूरा चैप्टर मैंने रीड करा, आपको समझ में आया हो. क्वेश्चनिंग मैं मतलब क्वेश्चन रीड कर रही हूँ आपको वन बाय वन, तो आपको समझ आ जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द चिल्ड्रन लिव, बच्चे कहाँ रहते थे, ये आपको पता है कहाँ रहते थे. व्हाट डिड द चिल्ड्रंस फादर्स डू, बच्चों के जो फादर्स थे वो क्या करते थे. बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होगा. व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू एट ऑल, डू ऑल डे, बच्चे पूरा दिन क्या करते थे, ये मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग चैप्टर के. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते थे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू व्हेन दे फाउंड द बॉटल,
बच्चों ने क्या किया, क्या करा था जब उन्होंने बॉटल को फाउंड किया, यानी तलाश किया या दरियाफ्त किया? नंबर ऐसा करना आप सही। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन टेक द पेपर टू ओल्ड बाबू? जो बच्चे थे उन्होंने ओल्ड बाबू को पेपर दिया था, क्यों दिया था? हाउ डिड ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन? जो ओल्ड बाबू थे उन्होंने बच्चों की मदद कैसे की थी? अब ये हैं, दिस क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस एग्जाम फर्स्ट। ये जो मैंने क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ये आपको ये तो नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के थ्रू आपको ये पूरा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आपको खुद भी आना चाहिए क्योंकि मैंने लेक्चर दे दिया है पूरा आपको। डू यू थिंक द चिल्ड्रन वर लकी टू फाइंड द बॉटल? हाउ? अब आपने बताना है आपकी सोच से कि बच्चे क्या बहुत खुशकिस्मत थे, उन्होंने बॉटल को फाइंड किया था, और कैसे? वॉट वुड यू लाइक टू फाइंड इन अ बॉटल ऑन द बीच? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको मतलब मिल जाएगा आपको मटेरियल, लेकिन आपको खुद भी आने चाहिए क्वेश्चन। ये आपकी बुक एक्सरसाइज है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब आपने बताना है ये रॉन्ग है या फॉल्स है या ट्रू है। से विच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रू अबाउट द स्टोरी? ये बुक वर्क है, आपने करना है, इसको मैं समझा रही हूँ। द चिल्ड्रन हैड अ डिफिकल्ट लाइफ, जो बच्चे थे वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारते थे, इज़ दैट ट्रू और फॉल्स? तो आपने बताना है। ये मैंने आपको पढ़ के बता दी कि बच्चों की लाइफ कैसे गुजरती थी, मुश्किल थी आसान थी, आपने चैप्टर में रीड किया, तो आपने बताना है। इधर आपने ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स का साइन लगाना है। नंबर टू ऑप्शन बी, हसन फाउंड द बॉटल, हसन ने ही फाउंड की थी बॉटल को, इज़ दैट ट्रू या फॉल्स? किसने, दोनों में से किसने फाउंड की थी? द बॉटल वॉज ईजी टू ओपन, बॉटल बहुत आसानी से खुल गई थी, इज़ दैट ट्रू या रॉन्ग? इधर आपने अपने साइन लगाना है। द चिल्ड्रन न्यू वॉट टू डू विद द मैसेज, बच्चों ने जानने के लिए मैसेज को क्या किया था उन्होंने, तो यहाँ आपने उसका साइन लगाना है। द मैसेज वॉज फ्रॉम अ गर्ल इन न्यूजीलैंड, वो जो मैसेज था वो क्या न्यूजीलैंड से एक लड़की ने लिखा था, यहाँ पे आपने उसको साइन लगाना है पढ़ के समझ के। द चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन अ फ्यू मंथ्स, बच्चे थे वो कुछ महीनों बाद पढ़ना और लिखना सीख गए थे।